शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कौन हो तुम? बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना, मैं सिपाही तरुण चौहान, 101 बटालियन बीएसएफ। गलत, तुम सिपाही नहीं बल्कि एक बेवकूफ हो जो इतनी आसानी से फंस गए। अब बताओ कौन हो तुम? एक बेवकूफ। और मैं तुम्हारा प्लाटून कमांडर हवलदार मोहम्मद अली। सर। और यह है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। ट्रेनिंग के वक्त क्या सिखाया गया था? किसी भी हालात में अपने हथियार को अपने से अलग मत होने देना सर। खच्चर कहीं का निचाओ। सर। वो क्या है सर, आपने जाल ही इतना अच्छा बिछाया, वरना मेरा पैर कभी नहीं फंसता सर। ये मैंने बोड़ो दुश्मन से सीखा, अब उनके जाल से उन्हीं को फंसाता हूं, बंदूक और राशन की थैली सामने रखकर। वैसे तो चाइनीज हथियार बहुत है इनके पास, लेकिन हिंदुस्तानी हथियारों को कब्जा करने में इनको कुछ ज्यादा ही मजा आता है। पता है इस तरह कितनों को लटका के मारा? कितनों को सर? 13। दुश्मन इस जंगल और जमीन को हमसे बेहतर जानता है। अगर तुम्हें जिंदा पकड़ लिया तो पहले तुम्हारे कान काटेगा और उसकी माला बना के अपनी प्रेमिका को तोहफे में दे देगा। एडिक डार्लिंग, मैं तेरे लिए की लेके आया। जयल सिंह। जोसेफ। तरुण जी। दुश्मन पंछियों की आवाज में भी बोलता है। उनका कमांडर इस आवाज में बोलेगा। अगर उसने इससे नीचे का सुर पकड़ा तो वो कोई सवाल पूछ रहा है, और अगर उसने अपनी आवाज ऊपर की ओर खींची तो वो हमले के लिए ऑर्डर दे रहा है। और इस आवाज में दुश्मन के सिपाही उनके कमांडर को आवाज देंगे। समझा? वो आवाज यहां से बोडोज ही नहीं पंछी भी हैं। हर रोज दुनिया के कोने कोने में हजारों सिपाही एक दूसरे की जान लेते हैं। इजराइल हो या पैलेस्टाइन, इराक, शेशेनिया, पाकिस्तान या फिर भारत, इन सब की एक ही कहानी है। इनकी मौत पे हमें गर्व नहीं शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि हर शहीद की आत्मा यही पुकारती है कि लड़ाई बेमतलब है, नफरत बेवजह है, जिंदगी बहुत कीमती है।
अपनी पोजीशन रिपोर्ट करो। ओवर। डेल्टा 340 रिपोर्टिंग। हम नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ जा रहे हैं। टारगेट करीब 45 किलोमीटर दूर है। स्क्वाड्रन लीडर विक्रम राठौर, आप लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं। दुश्मन के पास स्टिंगर मिसाइल्स हैं। खबरदार रहना। ओवर। सुना तुमने शहजाद मियां? जी सर। आंखें खुली रखना स्टिंगर मिसाइल्स के लिए। कोई बात नहीं सर, सैकड़ों किलोमीटर लंबे इन पहाड़ों में दुश्मन के कुछ 100-200 बंकर होंगे। जब भी कोई स्टिंगर मिसाइल हमारी तरफ फायर करेगा, मैं आपको फौरन खबर दे दूंगा। मिसाइल मिसाइल, भागो भागो। कल सुना तुमने, यहाँ से थोड़ी दूर उन्होंने एक MiG-27 को उड़ाया। पायलट ने बेलोड किया, लेकिन उनकी तरफ गिरा, जिंदा पकड़ लिया उसे। शुक्रिया सर, खुशखबरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस MiG-27 की रफ्तार के सामने हमारे इस हेलीकॉप्टर की रफ्तार तो बिना पंख की मुर्गी की तरह है सर। मजाक बहुत सोचता है तुम। चलो अब तनख्वाह कमाते हैं। टारगेट नजदीक पहुंच गया। डेल्टा 340 टू बेस कमांड, हम टारगेट के नजदीक पहुंच गए। डिप्लॉय कैमरा एंड कंफर्म। कैमरा डिप्लॉयड एंड ऑपरेटिंग सर। सैटेलाइट के रिपोर्ट के मुताबिक कल रात यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। रिक्वेस्ट विजुअल कॉन्फर्मेशन। ओवर। यहाँ कई लाशें पड़ी हुई हैं। सफेद और खाकी यूनिफॉर्म से पता चलता है कि सब के सब दुश्मन के लोग हैं। दैट इज गुड न्यूज़। डेल्टा 340 फॉरन लौट जाओ, इस इलाके में ज्यादा ठहरना ठीक नहीं। ओवर। रोजर सर, वापस लौट रहे। वहाँ एक हिंदुस्तानी जवान पड़ा है, घायल है। परमिशन टू लैंड एंड रेस्क्यू सर। परमिशन डिनाइड। तुम्हें पता है कि तुम दुश्मन के मिसाइल के रेंज में हो। किसी और तरीके से हम रेस्क्यू टीम भेज देंगे। फौरन वापस लौट जाओ। ओवर। सर जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, वो जवान मर जाएगा सर। हाँ क्या करें, लेट्स लैंड सर। प्लीज कंफर्म रिटर्न सर। अब अगर ऐसे करेंगे तो वो लोग हमारी माँ समझ गया, कह देंगे कि रेडियो खराब हो गया था। राइट सर। हमने उस जवान को रेस्क्यू कर लिया, वापस लौट रहे। ओवर। ऑर्डर्स के खिलाफ तुमने लैंड क्यों किया? बेस कमांड, हमने ऑर्डर सुना नहीं था, शायद रेडियो सिग्नल्स खराब हो गए थे। बेस पहुंचते ही इस पे इंक्वायरी की जाएगी। नो प्रॉब्लम सर, ओवर एंड आउट। उसके जख्म चेक करो। यस सर। क्या कुछ है सर? डायरी लगता है जनाब, लेखक है, गोली भी लगी हुई है, जख्म काफी गहरा है, खून बहुत बह चुका है सर। कौन है ये? तरुण चौहान, सिपाही तरुण चौहान। क्या? तरुण टैंगो चौहान चाली सर। इसकी आईडी है सिपाही तरुण चौहान, टैंगो चाली, 101 बटालियन BSF। ओवा। कॉपी दैट। तरुण चौहान, टैंगो चाली, 101 BSF। ओवा। अब कैसा है? जितना हो सका कर दिया सर। बचेगा? पता नहीं, जख्म काफी गहरा है, खून भी काफी बह चुका है। ये सुनिए सर, डायरी डायरी, ये डायरी सिपाही तरुण चौहान की है, अगर किसी और के हाथ लग गई तो कृपया आप बिना पढ़े मुझे लौटा दीजिए। डायरी मेरी है तो पढ़नी पड़ेगी, काफी सीक्रेट्स लिखे होंगे इसमें। पढ़ूं सर? हाँ। मणिपुर 10 सितंबर, जिंदगी में आज पहली बार मैंने एक इंसान को मार डाला। क्या? बहुत ही भयानक तजुर्बा था। अरे पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो, पहले से। जी सर। मणिपुर का जंगल, मेरी पहली फील्ड पोस्टिंग। यहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर तुम्हें हवलदार मोहम्मद अली के सेक्शन प्लटून को ज्वाइन करना है। आगे के ऑर्डर्स वही देंगे। अपने कान और आंखें खुली रखना, क्योंकि यहां के आतंकवादी बोडोज बहुत ही खतरनाक हैं। कोई शक?
नहीं सर। और हाँ, ये प्लेटून के खात उन सबको दे देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मणिपुर, इतना घना जंगल मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रखा हो। कितनी खूबसूरत जगह है ये। कौन हो तुम? बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना। मैं सिपाही तरुण चौहान, 101 बटालियन बीएसएफ। गलत, तुम सिपाही नहीं बल्कि एक बेवकूफ हो जो इतनी आसानी से फंस गए। अब बताओ कौन हो तुम? एक बेवकूफ। और मैं तुम्हारा प्लेटून कमांडर हवलदार मोहम्मद अली। सर। और यह है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। ट्रेनिंग के वक्त क्या सिखाया गया था? किसी भी हालात में अपने हथियार को अपने से अलग मत होने देना सर। खच्चर कहीं का। नीचे आओ। सर। वो क्या है सर, आपने जाल ही इतना अच्छा बिछाया, वरना मेरा पैर कभी नहीं फंसता सर। ये मैंने बोड़ो दुश्मन से सीखा, अब उनके जाल से उन्हीं को फंसाता हूं। बंदूक और राशन की थैली सामने रखकर। वैसे तो चाइनीज हथियार बहुत है इनके पास, लेकिन हिंदुस्तानी हथियारों को कब्जा करने में इनको कुछ ज्यादा ही मजा आता है। पता है इस तरह कितनों को लटका के मारा? कितनों को सर? 13। दुश्मन इस जंगल और जमीन को हमसे बेहतर जानता है। अगर तुम्हें जिंदा पकड़ लिया तो पहले तुम्हारे कान काटेगा और उसकी माला बना के अपनी प्रेमिका को तोहफे में दे देगा। एडिक डार्लिंग, मैं तेरे लिए की लेके आया। जयल सिंह। जोसेफ। तरुण जी। दुश्मन पंछियों की आवाज में भी बोलता है। उनका कमांडर इस आवाज में बोलेगा। अगर उसने इससे नीचे का सुर पकड़ा तो वो कोई सवाल पूछ रहा है, और अगर उसने अपनी आवाज ऊपर की ओर खींची तो वो हमले के लिए ऑर्डर दे रहा है। और इस आवाज में दुश्मन के सिपाही उनके कमांडर को आवाज देंगे। समझा? वो आवाज यहां से बोर्डोज ही नहीं पंछी भी हैं। ये बेस कैंप है, यहां तुम्हें दो काम करने हैं। एक जिंदा रहो और दूसरा खाना बनाओ। और आज के लिए चिकन तंदूरी, आलू गोभी, दाल फ्राई और रुमाली रोटी से काम चला लेंगे। हम सीरियस से बोल रहे हैं और ये हंस रहे हैं? सर खाना जरूर बनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और वो शर्त मैं बताता हूँ। पसंद नहीं आया तो 11 जनों का खाना पूरा तुम्हें खाना पड़ेगा। भीकू आओ, सबसे मिल लेते हैं। साथियों, ये हमारा नया बंदा तरुण चौहान जसपाल की जगह आया है। जसपाल का ट्रांसफर हो गया? जी हाँ, ऊपर। ऑर्डर इतनी जल्दी पास हो गए कि पीछे कुछ छोड़ के ही नहीं गया, एक खून भरी शर्ट के अलावा। चिट्ठियां लाया था। चिट्ठियां? अरे क्या बात है, चिट्ठियां। ये ले पकड़। रेड्डी, सोलंकी, ये ले। तेरे लिए भी आई है। जोसेफ, ये ले। थैंक यू। पेज, ये तो मेरी है। अरे क्या बात है। आइए और ये बैठिए यहाँ। ये ऐसा ही है, दरअसल अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तभी तो उसके भेजे हुए खतों को पढ़ नहीं पाता। जोसेफ, और 6 महीने बाद जब जवाब देता है तो लिखता है, मेरी प्यारी बीवी, मुझे तुम्हारी कंप्लेन नंबर 2453 मिल गई है और मैं उस पर बहुत जल्द एक्शन लेने वाला हूँ। जोसेफ चुप। वो क्या है ना कि मैं जवाब 2-4 महीने बाद ही देता हूँ, तब तक प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाती है।
क्यों खामखा क्यों टेंशन पालने का? दीक्षित तरुण हेलो आजा भाई आजा बैठ। कुड़िया परिया छोरिया कुम्हारा है ना बेचारा अभी तक कुछ किया नहीं किताबों में ही अटका है। एक बार उसको उधर लेकर गया था शर्मा कर वहां से भाग निकला। किताबों के साथ साथ बस अपना हाथ जगन्नाथ। सबसे पहले प्यार होना जरूरी है सर जी, प्यार के बगैर ये सेक्स वेक्स सब बेमतलब है। चुप है अबे, तुम लोग जवानी के नाम पे कलंक हो कलंक। मेरा बेटा है ना इसी उम्र का है, 13-13 लौंडियां घुमा रहा है। हाँ। और मेरा पुत्र भी कोई काम नहीं है। अच्छा एक बार मेरा बेटा मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का फर्क समझा रहा था, कहता है डैडी प्यार में केमिस्ट्री होती है और सेक्स में फिजिक्स। ये आजकल के लौंडे भी ना। आप लोग सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं? इससे अच्छा कोई टॉपिक है तुम्हारे पास? ये जंगल, ये वादियां, ये खूबसूरती, जब असलियत सामने आएगी तो भूल जाओगे इन वादियों का चक्कर। यहाँ हफ्तों तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक खून की नदियां बहती हैं। कुछ उनके लोग मरते हैं, कुछ हमारे दोस्तों के टुकड़े देखने पड़ते हैं। सच्चाई किसे चाहिए, इसलिए जब तक हो सके हम अपनी झूठी दुनिया में जीना पसंद करते हैं। दिल टूट गया थोड़ा सा, चलो इसे पूरा ही तोड़ देते हैं। बोल यहां तू लड़ने के लिए क्यों आया? देश की सुरक्षा के लिए, देशभक्ति से। देश के लिए जो भी लड़ने आता है दूसरे दिन ही भाग जाता है, क्योंकि जब गोलियों की बौछार होती है तो किसी देश की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र होती है। सच तो यह है कि तूने कर्ज लिया है 100 करोड़ भारतवासियों से, इसलिए तू मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता। तेरी बंदूक, तेरी वर्दी, तेरी तनख्वाह सब एक कर्ज है जिसे तुझे खून से चुकाना है। जैसे जैसे तू दुश्मन को मारता जाएगा तेरा कर्ज मिटता जाएगा, और जिस दिन तेरी जान गई समझ ब्याज भी चुक गया। अब सेक्स की बात करें, दिखा इसको। वो सोचने का काम बाद में करना, आज से ये तेरा हेडक्वार्टर है, ये बर्तन, ये राशन। चलो शुरू हो जाओ, बहुत भूख लगी यार, कम ऑन बका। आप जीतने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं, सही वक्त पे सही चाल ही सब कुछ है। याद रहे जंग हमेशा यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म।
साथ जीना है साथ मरना है, जो भी करना है साथ करना है, डूबना है तो साथ डूबेंगे, वरना एक ही साथ हमें उभरना है। यार के सामने दिल है क्या जान क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथ यार, अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। प्लाटून कैंप तोड़ो। कॉम्बिंग ऑपरेशन। हम रात दिन जंगल में फिरते रहे, बस एक ही लक्ष्य, बोडो दुश्मन को ढूंढो और मारो। बेस कमांड, माइक अल्फा का प्लाटून सेक्टर 3 पहुंच गया है, आज रात हम यहीं रुकेंगे। ओवर एंड आउट। शो बाशोश देंगे जी। हकुशा चिमना ले सुसेश। बेस कमांड कम इन। प्लीज कैरी ऑन सर। माइक अल्फा रिपोर्टिंग, सेक्टर 4 क्लियर है, हम नवंबर इको की दिशा में सेक्टर 5 की ओर जा रहे हैं। ओवर एंड आउट। आजादी चाहिए। किससे आजादी? ये देश उनका है, ये लोग उनके हैं, और कौन सी आजादी चाहते हैं? देश के हर तरफ दुश्मन है जो हमें खुश नहीं देखना चाहते। मैं समझा नहीं सर। बिजू। यस सर। मैंने कहा कि तरह खड़े हो जाओ। यस सर। यूं इसे समझो, हमारा भारत देश, सर पर कश्मीर, हर तरह के आतंकवादियों से भरा हुआ, दाया हाथ और कंधा पाकिस्तान, आज दोस्त कल दुश्मन, कोई भरोसा नहीं, बाया कंधा चाइना, 3 लड़ाइयां लड़ चुके हैं उनके साथ, नीचे श्रीलंका LTTE जिसने राजीव गांधी को मार डाला, बीच में कहीं नेक्सलाइट्स, कहीं रणवीर सेना, कहीं माओइस्ट्स, और सबसे दूर इस उंगली के पास मणिपुर, चाहे इस वक्त तुम खड़े हो आराम से। यस सर। यहां भी कई ग्रुप्स है, बोडो माइजो उल्फा, चाइना की मदद से आजादी के नारे लगाते हैं, मासूमों का खून बहाते हैं, हर रोज संघर्ष होता है, हर रोज हमारे सिपाही मरते हैं, लेकिन भारत की आम जनता को पता ही नहीं चलता। कल कुछ हो गया तो अखबार के 12वें पन्ने पर छोटे से अक्षर में इतनी सी खबर छपेगी कि कोई हवलदार मोहम्मद अली और उसके साथी फायरिंग में मारे गए। कोई पढ़ता नहीं, किसी को फिक्र नहीं, और हमें हमें भी कोई अफसोस नहीं। तरन और सोलंकी यहीं रुकेंगे, बाकी सब मेरे साथ चलो। इंफॉर्मेशन मिली है कि दुश्मन नजदीक है, बेस कमांड से मैसेज आए तो सही जवाब देना। पता है ना, जंग के वक्त एक दूसरे का नाम नहीं लेते, सिर्फ कोड इस्तेमाल करते हैं। सर तुम्हारा कोड क्या है? टैंगो चार्ली। और मेरा
माइक अल्फा। यस सर, माइक अल्फा। बेवकूफ। प्लाटून यहीं रुकेगी। ब्रावो डेल्टा, मेरे साथ चलो। संभाल नहीं पा रहा था, गिरा। पहले इस तरफ फिर उस तरफ। कौन सर? चोपियो उनका आदमी नहीं हो सकता। चलो ये कोई चाल है, इससे पहले कि हमारे लड़के कोई पागलपन ना कर बैठे। असी मारांगे। कोई नहीं सर। हट। उनके हाथों जसपाल मारा गया। सभी काम से पागल हो गए। दुश्मन ने किडनैप करके जसपाल को जिंदा रखा था और अब हमें बहकाने के लिए उसे अपनी वर्दी पहनाकर मुंह हाथ बांधकर हमारी दिशा में भगाया। तुम भगाए तू सोच चोच लोग मशो में Come on!
सुशाश को वो लोग देता है दिसे नहीं मैं इंडियन मारो अकेले सोलंकी को मार दिया सर। तरुण, जैल सिंह रेड्डी, ईश्वर और फैजान भी मारे गए और बाकी दोनों का पता नहीं। ये सब इतनी अचानक कैसे हो गया? जब होता है तो अचानक ही होता है। कुलदेव, कुलदेव, कुलदेव। समझना होगा फिर ही आगे बढ़ेगी। लेकिन सर मेरे लौटने तक कोई इस जगह से नहीं लेगा। सांस तक रोक दो। ब्रावो, फॉलो मी। मेरे यहां बैठकर उसे बढ़ता हुआ देखे और किस नहीं। दीक्षित, दीक्षित हवादार कॉल है। इसमें जरूर कोई दुश्मनों की चाल है। हम यहां से नहीं हिल सकते। अरे पीछू अभी बच्चा है, मेरे बेटे की तरह। अपने बेटे को मरता हुआ देखो, यहाँ झाड़ियों में छुपकर बुजदिलों की तरह। हट। दीक्षित, दीक्षित, हमें प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिल सकते। अरे बाहर में गया तुम्हारा ऑर्डर, तुम्हारा प्लान दिखाई नहीं देता। वहाँ कोई बोर्डो नहीं है तरुण, सिर्फ अपना बीजू है। बीजू, मैं जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। उसे उसे मॉर्फिन की जरूरत है तरुण, बेचारे का दर्द तो कम हो जाएगा। दीक्षित, तरुण, तरुण मुझे मत रोक। दीक्षित, तरुण मुझे छोड़ ना। दीक्षित नहीं, तरुण हट, हट जा। बीजू, बीजू बेटा, बीजू मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, बेटा, बेटा मैं आ रहा हूँ, बस बीजू, बीजू, मैं आ रहा हूँ बेटे, बीजू मैं आ रहा हूँ। बीजू बेटे, ये इंजेक्शन लगा ले, दर्द कम हो जाएगा। ले साले, चुप चुप के गोली मार रहे हैं हरामी साले। कोई बात नहीं बेटे, मैं आता हूँ।
सबसे भयानक दो घंटे हमारी आंखों के सामने बीजू धीरे धीरे मौत की बाहों में फिसलता गया। हवलदार के ऑर्डर के मुताबिक हम पत्थर बन गए, लेकिन किसी दिल को पत्थर कैसे बनाए? इतना पत्थर दिल न मैं था न मेरा हवलदार। सही वक्त पे सही जान, यही जंग का असूल है। बोडो हमारे इंतजार में छुपा था और हम उसके इंतजार में। बीजू की चीखें सिसकियों में बदल गई, वो इस दर्द की दुनिया को छोड़कर चला गया। अब हमारी बारी थी मौत को सौंपने या स्वीकार करने की। मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाए उनको मारना पड़ेगा। चिल्लाओ मत, आप जाए। हीरो बनने की कोशिश मत करो। सर सर शट अप। उनको मारने की दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। चलो क्या कहना है टैंगो, प्लटून तो खत्म हो गई, लड़ना है कि लौट जाए। जब तक हम जिंदा हैं कुछ जिंदा नहीं रह सकते। अच्छे सिपाही बनोगे, चलो रात का इंतजार करते हैं।
दर्द ज्यादा हो तो थोड़ी पी लेना और मुझे वापस देना, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सर। अगर मेरी बीवी आज मुझे इस हालत में देखती ना सर, तो कितनी सुधर जाती, फिर कभी जिंदगी में कंप्लेन नहीं करती। क्या पता, और जोर से रोती और सीना पीट पीट कर कहती, हाय मेरी भरी जवानी लुट गई, ये लूला लंगड़ा मर्द मेरे किस काम का। सेक्स और दूसरों की बीवियां, लड़का बड़ा हो गया है। तरुण मुझे दो, मैं तुम्हें लगाता हूं। ये बीजू के नाम दुश्मन का सत्य और नाश हो, ये देव के नाम, ये भाई जैल सिंह के नाम, ये सोलंकी के नाम, ये ईश्वर के नाम, दुश्मन सुबह का सूरज न देख पाए। फजर के वक्त तुमने रहम की बात की, हे भगवान बता मुझे मेरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक ये खून की नदियां बहती रहेंगी, कब तक हम नफरत की आग में चलते रहेंगे। आज तक मैंने सिर्फ सवाल पूछा, लेकिन अब इसका जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हे भगवान बता दे मुझे, हे भगवान बताओ मुझे, परीक्षा पास करने पर भी तुमने मुझे फाइटर पायलट क्यों नहीं बनाया, मुझे इस बिना पंख की मुर्गी में क्यों बिठा दिया। या अल्लाह तू बता मुझे, मेरे बगल वाले अफसर की जगह मैं स्क्वाड्रन लीडर क्यों नहीं बना, मेरा प्रमोशन क्यों रोक दिया गया। अगर भगवान सबकी मन्नतें पूरी करने लगे ना, तो इस दुनिया में शांति छा जाएगी और हम जैसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, समझे। यस सर। ये टैंगो चाली भोला जरूर है, लेकिन उसकी बहादुरी, हैट्स ऑफ। चलो पढ़ो आगे। सर मेडिकल लीव, घर लौटने का वक्त आ गया। अबे रुको रुको, असर को
हम लोग। अरे तरुण, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? वो अरे लड़ाई से आया है, गोली वोली लग गई होगी कोई। लड़ाई में तो हजारों गोलियां चलती है, तुमने भी बहुत गोलियां चलाई होंगी ना? चलाई थी। अरे तरुण, कितने लोगों को मारा तूने यार, एक दो दर्जन को तो खत्म कर ही दिया होगा ना? अरे मेरी छोड़, सुना तूने शादी कर ली? हाँ, अबे भोला की भी शादी होगी। अच्छा, मेरे जाते ही दो दो शादियाँ। पार्टी कहाँ है? अरे हम है ना पार्टी। हाँ, एडवांस पार्टी। ये हाथ को क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, जल्दी आ, फोटो खींच, चल चल घोड़ा लाओ। भाई भाई तेरी भाभी। चलो चलो चलो। अरे बेटा भाई साहब थोड़ा करीब हो जाइए। आओ भैया, आओ आओ आओ। भाई साहब थोड़ा सर झुकाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा सर कटा सकता है, झुका नहीं सकता। चल चल तू ठीक से खींच, चल। कोशिश करता हूँ, सब मुस्कुराइए, स्माइल, सब मुस्कुराइए। तरुण यार क्या सोच रहा है, बड़ा चुप है? सोच रहा हूँ शादी कर लूं। लो, अरे अबे अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? क्यों? तुझे कैसे मिल गई? रेलवे लाइन के पीछे उसके बाप ने देख लिया, मूछ वाला आ गया, घर पे कहा 10 मिनट में शादी करो नहीं तो टा क्या काट देंगे। अरे इनको तो 10 थोली। डर के मारे अंकल ने 10 मिनट में पंडित को बुलाया, दोनों की शादी। कुछ नहीं, बीवी मारती है कि नहीं मारती है? कभी 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 हो गया बस। मेरे जाने के बाद में तुम लोगों ने बहुत गुल खिलाया। इसने तरुण, इसने तरुण, अबे इसकी तो सुन, अब नहीं बताना। बता इसकी, मैं बताता हूँ। अबे इसकी सुहागरात में पता क्या हुआ? दारू की चल बता। इसकी सुहागरात में ना, बोला क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सुहागरात की अगली रात को पता है क्या हुआ? सुहागरात की अगली रात को भी कुछ भी नहीं हुआ। तुझे ना शादी कर लेनी चाहिए। अबे यार तू अपने गांव का इकलौता फौजी हीरो है, शादी कर ले। कोई भी बाप बड़ी आसानी से अपनी बेटी और आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देगा। इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए, हम शादी के लिए तैयार हैं। चलो लच्छी के बाप से बात करने चलते हैं। चलो, लच्छी कौन है? अबे शहर से आई है, अंग्रेजी मीडियम की पढ़ी हुई, बहुत ही स्टाइल वाली लड़की। अरे वही राम नारायण की लड़की, दवाई वाले की लड़की। तुरंत तू झेल ही नहीं पाएगा उसको, सुबह से शाम तक देश बैट 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 बैट। तो क्या हुआ, मुझे भी अंग्रेजी आती है। कहाँ से आती है, शिक्षा तो हमारे साथ ली ना। अरे ट्रेनिंग में बड़े अफसरों के साथ मैं अंग्रेजी में बात करता था। अबे जा जा, मैं नहीं मानता। अरे क्या नहीं मानता? अबे आती है तो बोल के बता। बताओ 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 बता। अरे सा ऐसे कमांडिंग ऑफिसर तेरे पर प्लीज ऑफिसर कोड ऑफ सा। थैंक यू लेफ्टिनेंट। मैडम व्हाट डू यू हैव? दिस इज रेड वाइन, दिस इज व्हाइट वाइन, दिस इज हार्ड ड्रिंक, दिस इज सॉफ्ट ड्रिंक। और ले यस सर, कैन बी अ लार्ज ब्रांडी विद सोडा? Yes, sir. क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा हुआ है? बोल दे, बोल दे, बोल देते हैं, बोल ही देते हैं। बोलते चल 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 चल। बाबूजी तरुण ने शादी करनी है। तो वो लच्छी से शादी करेगा, ये तय हो गया है ना? हाँ। लच्छी बात सुन, बात सुन। हम हमें बुला रही हैं। लच्छी वो दवाइयों वाले रामनारायण की बेटी? जी बाबूजी। किसने तय किया? वो तरुण। किस आधार पे?
बाबूजी वो गांव की सबसे सुंदर और स्टाइल वाली लड़की है इस आधार पे। वो अकड़ू राम नारायण फूटी कौड़ी नहीं देगा दहेज में जी। ना नया घर, ना बजाज का स्कूटर, ना टीवी, ना फ्रिज, ऊपर का खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। पूछो अपने दोस्त से, मंजूर है ऐसे? जा पोछी। तय कर लिया है। पापा जी पूछ रहे हैं मंजूर है। बोल दे मेरे बापू से कि हम प्यार के खातिर सब कुछ झेलने को तैयार हैं। प्यार? अबे पहले लड़की को तो देख ले। लीजिए, हमारी बेटी ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। तो ये है वो सिपाही जिसे टैंगो चाली कहते हैं। नसीब वाली हो लच्छी, लड़का बड़ा ही हैंडसम है। चल देखने दे मुझे। चलो देखते हैं जोड़ी कैसे नहीं बनती। हेलो हेलो, हाउ डू यू डू? आई आल्सो, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन थैंक यू। बोल बेटा बोल। थैंक यू थैंक यू। इनकी बातें तो हो गई। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद है, अब हम अपनी बातें भी कर लें। बातों में क्या करना है, मैं पुजारी को बुला लेता हूँ, सगाई की तारीख तय कर लेते हैं, और हाँ शादी का पूरा खर्चा मेरा है। ना वो तो ठीक है, पर थोड़ा लेन देन तो होता ही है। देखिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, 5,000 रुपए की तनख्वाह है उसकी, इससे ज्यादा क्या दे सकता हूं? मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, पीए डीए एचआरए मिलाकर महीने का 10,000 रुपया लाता है माशा। हाँ जी, मैंने सुना है कि तुम्हें बहादुरी का कोई मेडल मिलने वाला है। हाँ शायद। अब इन दोनों को देखिए, दोनों पढ़े लिखे हैं, पैसे कमाते हैं, दहेज का तो मतलब ही नहीं खड़ा होता है इनके बीच। हाँ ठीक है, हम भी कुछ वैसे बुरे नहीं हैं। सुना ये माशा क्या कह रहे, दहेज वहेज कुछ नहीं चलेगा ना तेरे को, प्यार की खातिर झेल अब। चाचा जी आप तो समझदार लगते हैं, है ना? हाँ दहेज ना सही, अपनी बेटी की पसंद की कुछ चीजें तो देंगे ना, है ना? हाँ वो ऐसा है कि दहेज देना इनके उसूलों के खिलाफ है। जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तब भी इन्होंने भाभी के घर वालों से कुछ नहीं लिया था, है ना पापा? पर दहेज देने में कौन सी खराबी है? सिर्फ लड़की वाले ही क्यों दे? अगर कोई खराबी नहीं तो फिर लड़के वालों को भी देना चाहिए। क्यों दोगे तुम दहेज लड़की से शादी करने के लिए? नहीं ना, लड़का लड़की एक जैसे कहाँ होते हैं, लड़के तो इतने ज्यादा वो होते हैं। वो होते हैं क्या? वो होते हैं क्या तुम हर वो चीज जानते हो जो मैं जानती हूँ? बिल्कुल, तुम क्या जानती हो? क्या तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हो? वो कौन है? देखा ये गलत है भाई, तुम्हें वही पूछना चाहिए जो इसे आता है। अच्छा तुम्हें क्या आता है? मुझे गोली चलाना आता है। वो तो मुझे भी आता है। क्या शर्त लगाओगे? गोलियों से टारगेट प्रैक्टिस करेंगे, अगर मैं जीत गई तो तुम दहेज का नाम नहीं लोगे, और अगर मैं हार गई तो हार गई। मंजूर? मंजूर। लेकिन हथियार कहाँ है? मेरी सहेली के घर पे, उसके पास सब कुछ है। चलो चलो बेटी। अरे अरे बेटा, लेकिन हमारी बातचीत का क्या होगा? कुछ नहीं चाचा जी, आजकल तो ऐसे ही चलता है बस, मैं बीच बीच में खबर करता रहूंगा। ये चिरकुट। ये तुम्हारी बंदूक है, ये मेरी,
हम दोनों दुश्मन हैं। तुम्हारा काम है मुझे मारना, मेरा काम है तुम्हें खत्म करना। पहले जॉयस्टिक पकड़ो, ये ऊपर, ये नीचे, ये दाएं, ये बाएं, सब तैयार, ये बीच का बटन फायर। रेडी, एक मिनट, रेडी, लेट्स गो, चलो चलो चलो, कम ऑन, रेडी, लेट्स गो, लेट्स गो, एक मिनट, एक मिनट, और वो कंप्यूटर के नोट्स मुझे कौन सी वाली? तरुण का दोस्त। हाँ, जानती हूँ, उसी का दोस्त है। ए तरुण, वो आ गई। आ गई? हाँ, निकल जल्दी कर। नहीं यार, मुझे शर्म आ रही है। तो ठीक है, तेरी जगह मैं जाता हूँ। दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अबे ए, टैंगो चाली, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा। प्यार की बातें जरा सोच के करना, मेरे पिताजी कुछ देने नहीं वाले। तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? क्या समझती हो तुम मुझे? कि तुम एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, TA DA HRA मिला के और 10,000 रुपए कमाता हूँ। अरे बाबा, बात ये नहीं कि तुम क्या हो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये सब मुझे नहीं पता। तुम ही बताओ मैं कौन हूँ। बताती हूँ, बताती हूँ। नाक थोड़ी लंबी है, बुद्धि थोड़ी धीमी है, इधर आओ, कद थोड़ा लंबा है, मगर बॉडी बहुत बलवान है, बिल्कुल घर की बैल की तरह, सिर्फ नाक में हंसी की कमी है, पर नेक आदमी है, दिल का बहुत अच्छा है, कभी किसी औरत को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मजबूत पाए हैं, प्यारी प्यारी आंखें हैं, बच्चों जैसी मुस्कान है। और जो अपनी बीवी को घर की लक्ष्मी मानेगा। शादी की बातें इतनी जल्दी नहीं, पहले हम दोस्त बनेंगे, मस्ती करेंगे, धीरे धीरे दिल प्यार का इशारा देगा, उसका इंतजार करेंगे। दोस्ती, मस्ती, इशारा, इंतजार, ये सब तो मुझे हो चुका है। मगर मुझे नहीं हुआ ना। तो कब होगा? ठहरो ठहरो, मैं अपने दिल से पूछती हूँ, क्या कहा? तरुण बुद्धू है। क्या कहा दिल ने? अच्छा, कह रहा है कि इस बुद्धू के साथ प्यार कैसे कर सकती हो? एक दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया, एक बार करके फिर दोबारा कर दिया। एक दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया, एक बार करके फिर दोबारा कर दिया। देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा, मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया। हे,
देखा और एक नशा सा हमको हो गया। क्या हुआ दीवानगी में दिल लगकर ये खो गया। अरे बेकरारी बढ़ रही है, चैन एक पल नहीं। दिल मेरा भी कह रहा है डोल जा संभल नहीं। हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया, हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया। देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा, मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया। दिल रुबा दिल पे किसका जोर है, हम फिदा है तुम पे आओ पास आके देख लो। तुम भी जाने जाना हमको आजमा के देख लो। एतबार हमने तुम्हारा कर लिया, एतबार हमने तुम्हारा कर लिया। देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा, मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया। तारुण, पता है तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो? क्यों? क्योंकि शादी के बाद तुम मुझे ऐसे ही रहने दोगे, मेरे आजाद दिल को कैद नहीं करोगे। पता है तुम मुझे क्यों अच्छे लगती हो? क्यों? क्योंकि अगर जंग में मैं मर भी जाऊं तो तुम रो रो के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगी। तुम्हारा यही सास मुझे कायर बनने से रोकेगा। आई लव यू तारुण। मैं भी आई लव यू। अब तुम्हारा दिल क्या कहता है? पुत्तू, दिल बात नहीं करता, सिर्फ धक धक करता है, होंठ बात करते हैं। चलो वो अंग्रेजी पिक्चरों की तरह मुझे किस करो। लच्छी। हाँ, एक दिन मैं हमारे पोते पोतियों को बताऊंगी और कहूंगी कि उसने मुझे किस किया। तुमने ब्रश नहीं किया। लच्छी। तरुण, दिन में दांत दो बार ब्रश करो, थोड़े स्टाइलिश बन जाओ, जीन्स टी शर्ट पहनो। तुम्हारे पास नहीं हो तो मैं इंटरनेट से मंगवा दूंगी, सीधे घर पहुंच जाएगी। माँ माँ मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। माँ मैं आ रहा हूँ। माँ मत खोलना। ठहर तो, अरे ये तो जीन्स पैंट है। किसका खत है बेटे? रेजिमेंट से बुलावा है माँ, अगले हफ्ते मुझे निकलना पड़ेगा। एक्सट्रीमिस्ट पेट्रोल में मेरी पोस्टिंग हो गई है। हाँ, वो क्या होता है तरुण? इसका मतलब माँ, मुझे अपनी पलटन के साथ दक्खन जाना पड़ेगा, नक्सलवादियों से लड़ने के लिए। हाय राम, तरुण क्या हुआ माँ जी? माँ किसी से मत कहना, मुझे विदाई का नाटक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वक्त आने पर मैं आपका आशीर्वाद लेकर चुपचाप चला जाऊंगा। माँ इसमें क्या खराबी है? माँ इतनी तो अच्छी है, भाभी देखा, इन्हें तो आजकल के फैशन के बारे में मालूम ही नहीं। माँ ये बहुत अच्छी लगेगी, मुझे तो लगता है ये आप पर भी बहुत अच्छी लगेगी। अरे मेरी जीन्स नहीं पहनी। मैं आज शाम की ट्रेन से वापस जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा। इधर आओ, जरा जी भर के तो देख लेने दूं तुम्हें। हाँ ये बात सच है कि मैं लच्छी से बहुत प्यार करने लगा हूँ। उसकी अदा, उसके जोश ने मेरे मन पर काबू कर लिया, मुझे एक नई दुनिया में पहुंचाया, खुशियों से भरी हुई, पुराने रीति रिवाजों से दूर। देर हो रही है, मुझे जाना है। लच्छी मैं हाँ इस दुनिया में ठहर जाने को जी करता है, लेकिन उसे कैसे समझाऊं कि मैं ठहरने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है। क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। दक्षिणी इलाका,
पत्थरों से भरपूर। यहाँ के लोग अब भी बहुत गरीब हैं। जहाँ गरीबी होती है वहाँ आतंकवादी आते हैं और उनके पीछे पीछे हम। सीओ साहब और उनके खानदान को हम हैदराबाद छोड़ने जा रहे हैं। उत्तराना के इशारे पे सब लोग उस पत्थर की ओर भागेंगे। 3, 2, 1 गो। चारों तरफ से फंस गए यार, रुकेंगे तो दुश्मन हमें रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देगा। भागने की कोशिश की तो हम उनकी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। इस लॉन्चर की रेंज ज्यादा नहीं है, अगर हम उस पत्थर तक पहुंच जाएं तो इसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे। मूव 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 चलो भागो। तुम लोग आगे जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कवर फायर देता हूं। चलो मूव। लॉन्चर के रेंज से बाहर है। बॉम्ब के रेंज के बाहर है मोहम्मद अली। अब उन्हें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। चलो उनका पीछा करो। सब अपने अपनी पोजीशंस ले लो और याद रहे हर गोली कीमती है। आप जाके उन्हें खत्म कीजिए सर, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। जाइए सर। लगता है सबके सब भाग गए।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बता देंगे लड़ाई कैसे जीती जाती है। टैंगो सेरा, पीछा करो। यस सर। यस सर। यहां पे सबसे कॉमन नाम कौन सा है? सीनू। सीनू, डिकॉय बन के चल। सर भरोसा कर, चल। यस सर। हम जानते हैं तुम कहां छुपे हो और तुम्हारे सारे बंदे भी मर चुके हैं। अगर जीना चाहते हो तो मेरे तीन गिनने से पहले बाहर आ जाओ। एक, दो। तीन। मैंने बहुत समझाया, इसने चाकू निकाल लिया सर। मैं क्या करता? आई सरेंडर सर, मुझे जो भी सजा मिले मंजूर है। माइकल वा, माइकल वा, अब वहां की हालत कैसी है? रिपोर्ट करो ओवर। माइकल वा, रिपोर्ट करो ओवर। बेस कमांड, दिस माइक अल्फा रिपोर्टिंग। हमारी पहली रिपोर्ट गलत थी। सीईओ साहब और उनकी फैमिली के साथ 8 नहीं 9 सिपाही शहीद हुए। ओवर एंड आउट। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। तो वो लड़की मर गई? हाँ, मर गई। नसीब की बात है, हर गोली पर अपनी निशानी का नाम लिखा रहता है। जब वक्त आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बेस कमांड टू ऑल एयरक्राफ्ट, मौसम खराब हो रहा है, होशियार रहना। बेस कमांड टू ऑल एयरक्राफ्ट, होशियार रहना। ओवर। शिट, बर्फ का तूफान इसी वक्त ही आना था। कहीं इस तूफान पर हमारा नाम तो नहीं लिखा है ना सर? सर बेहतर यही होगा कि हम कहीं लैंड करने की कोशिश करें।
प्रिपेयर फॉर लैंडिंग लेफ्टिनेंट, मैं चॉपर को उतार रहा हूं। उधर वो गुफा में चॉपर से पेट्रोल ले आना। अब थोड़ी जान आई इसमें, लगता अब इसकी जान बच जाएगी। डायरी लाए हो? जी। पढ़ो पढ़ो। सिपाही तरुण चौहान रिपोर्टिंग सर। जे प्रदेश जावानु छे तेनी भाषा सीखी ले। हम गुजरात जा रहे हैं। हाँ। वहाँ क्या है? गली गली चल रही है, देखो। पिछले 5 दिनों से लगातार चलते हुए दंगों में मृतकों की संख्या 150 के करीब मानी। खूब टारगेट प्रैक्टिस मिलेगी। स्थानिक पुलिस रिपोर्ट से पता, हम सिविलियंस को मारेंगे? क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, फर्क पड़ता है। होश में आइए, वरना हमको मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। आप लोग कानून हाथ में मत दीजिए, वरना हमें फायरिंग करनी पड़ेगी। ये सब कार्ड प्लाटून फायरिंग पोजीशंस।
सुनिए भाई साहब, वो वहां रहते हैं। बेटा दीपक, धीरज रख भाई, बस अभी तो धीरज बताने में संभाल पिता जी की कोई गलती नहीं थी। अचानक दंगे शुरू हो गए, ऑफिस से वापस आने की कोशिश कर रहे थे, किसी फौजी ने गोली मार दी। आप मेरे पिताजी को जानते थे? बस एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। तुम फौजी हो? कल की गोलीबारी में तुम थे? हाँ। तो क्या तुमने मेरे पिताजी को मार डाला? मेरा निशाना तो कोई और था, भीड़ में अचानक गलती से। मैं तो माफी मांगने आया हूं। तू लोई पे ना आई सुधी आई क्यों? इसे हाथ नहीं लगाएगा। हम लोग अपनी मर्जी से यहां नहीं आते, तुम्हारे दंगे हमें खींच लाते हैं। अगर हम लोग नहीं आते तो आप लोग सारा शहर तबाह कर देते। मानता हूं हमारे हाथों बेगुनाहों की जान गई, लेकिन इसके जिम्मेदार भी आप लोग ही हैं। तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। इसका दिल साफ है, इसलिए प्रायश्चित करने चला आया। सिपाही तरुण चौहान, जरूर तुम बेवकूफ हो, पर यह बात भी सच है कि तुम पहले सिपाही हो जिसने अपने दिल की बात मानकर इस तरह माफी मांगने की हिम्मत की। तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूं। सर, इसे सिर्फ बेवकूफ कहना ही बेहतर है, वरना यह ऐसे ही करता रहेगा और इसकी जान बचाने की एक्स्ट्रा ड्यूटी हम पर लग जाएगी। सर जी, मैं सीओ साहब की बात नहीं मानता, क्योंकि हर फौजी एक इंसान है और हर इंसान का दिल होता है। हर सिपाही की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था सर? तुमसे भी बड़ी बेवकूफी। क्या हुआ था सर? प्यार। प्यार? वेस्ट बंगाल, नक्सलबारियों की सोच गांव गांव में आग की तरह फैल रही थी। जमींदारी की परंपरा को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में हम नांदीपुर पहुंचे, मुफ्ती में। चलो एक्टिंग करो।
কে? কে বলে দিদি? আমি গো আমি। দরজা খোলো। দরজা খোল। শ্যামলী দিদি, শ্যামলী দিদি, ও কলকাতা সে কপড়ে ওয়ালা আয়া হ্যায়, বড়ে বড়ে বাক্সো মে বহুত সারি চিজে লায়া হ্যায়। তাই? দেখাচ্ছি মজা। দর্জি কো বললো ফরন মেরে পাস আ জায়ে, বহুত শিকায়ত করনি হ্যায় মুঝে। ও শ্যামলী মেম সাহেব নে অন্দর বুলায়া হ্যায়। শ্যামলী মেম সাহেব? হ্যাঁ। লেকিন হাম তো জমিদার সে মিলনে আয়ে হ্যায়। পর অন্দর বুলায়া হ্যায়, আইয়ে না। आइए जमींदार को ढूंढ के बताओ मैं कहां। अश्विन ये ब्लाउज देखो कितनी ढीली है, ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए नहीं मेरी दादी माँ के लिए बनाए। क्या ये मुगल-ए-आजम का जमाना है? मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मॉडर्न स्टाइल चाहिए। आप हंस रहे हो, मेरी परेशानी सुन के आपका हाशी पेच है? नहीं नहीं मैम साहब, मैं आपकी परेशानी पे नहीं हंस रहा था। बात यह कि बात कम करो और काम पे लग जाओ। चलो अब तो मेरा सेम आप लो। कहने का मतलब टेप लाया तुमने? नहीं, हे भगवान कैसे दर्जी हो तुम। छोड़ो मैं देती हूँ, लो पहले कमर माप लो। ऊपर 24। हाँ 24। और अब छाती मापो। पहले मैं आपके पिताजी से मिल गया हूँ। क्यों? आप उनके साइज के हिसाब से मेरा ब्लाउज सिलाओगे? चलो पैंतीस। छत्तीस। अब बताओ पैंतीस या छत्तीस? वो ही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे 35 और 36 में जीवन और मृत्यु का फर्क है। सही कहा आपने। सांस अंदर ले लो तो 36, बाहर छोड़ दो तो 35। ओ हवलदार मोहम्मद अली। जी सर। अरे आप हाथ में टेप लेकर क्यों खड़े हैं? थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से। अच्छा अच्छा समझ गया। बाकी ये सब क्या हो रहा है? बेटी तुम जो समझ रही हो ये वो नहीं है, ये लोग सिपाही है, बीएसएफ से आए हैं। सिपाही? हम्म। बुझे छी, सिपाही का दर्जी शादी का कपड़ा कैसे बना सकता है? आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं दर्जी नहीं जंग का सिपाही हूँ। यहाँ के हालात खराब होने की वजह से हमें सिविल कपड़े पहनने का ऑर्डर दिया गया था। फिर वो ढेर सारे बाक्सों जो कपड़ों से भरे हुए थे उसमें क्या है? हथियार। फिर मेरे शादी का क्या होगा? बेफिक्र रहिए मेम साहब, हम आपकी हिफाजत के लिए आए, जब तक हम जिंदा हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे, ये मोहम्मद अली का वादा है। खतरे को आपने ठीक से पहचाना नहीं जमींदार साहब, इस वक्त खड़े होकर लड़ने से हम सबको मौत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है, शादी को टाल दीजिए और हमारे साथ कलकत्ता चले आइए। वाजिद अली शाह के जमाने से लेकर आज तक नांदीपुर में राय चौधरी परिवार का राज चलता आया है, आप क्या समझते हैं? उन लोगों की धमकियों से डर कर, अपनी खानदानी इज्जत को छोड़कर मैं यहां से कायर की तरह भाग जाऊंगा? कभी कभी कायर की शक्ल बहादुर की अक्ल से ज्यादा सही होती है, यह भी जंग का असूल है, जीतने के लिए कभी हारना भी पड़ता है। हार जीत की बात करते हैं आप, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एक बार मैं यहां से भाग जाऊंगा तो जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाऊंगा? मेरी जमीन, मेरी जायदाद
सब पे कब्जा कर लेंगे ये लोग और गांव वालों को बांट देंगे। जिंदा तो रहेंगे ना आप, पैसा जायदाद आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी की जान जाए तो क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? जब आंधी उठती है तो बड़े से बड़ा पेड़ भी झुक जाता है जमींदार साहब। ऐसी बातें करते हैं जैसे आप भी एक कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट ये सब आप लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक सिपाही हूं जिसने मौत को इतने करीब से देखा है कि जिंदगी के हर पल की कीमत जान गया हूं। अच्छा, और वो वादा जो मेरी बेटी से किया था उसका क्या? मैंने उसे बेफिक्र रहने के लिए कहा था, वो झूठ था। लेकिन मेरा दूसरा वादा सच है, जब तक मोहम्मद अली और उसके साथी जिंदा हैं, वो आपके खानदान की हिफाजत करते रहेंगे। खाने पीने का कभी तो ख्याल रखो सिपाही बाबू, अब काम छोड़ो और आराम करो। आप कहती तो मैं खुद ही रसोई में आ जाता। आज हमने बहुत मस्ती की, आज दोपहर को वो असली दर्जी आया। फिर क्या हुआ? वो दर्जी अकड़ के मेरे सामने आ गया और मैंने उसका ऐसा उतारा किया ना, भूत भागी दिए चेक के बरे, मतलब उसके भूत को भी भगा दिया। बड़े ताजुब की बात है कि आप अपनी सहेलियों के साथ यूं खुला। अरे लोडेड है। जानती हूँ और वक्त आने पे चला भी सकती हूँ। इसे मुझे दे दीजिए, छोड़िए। तीन आदमियों को पहली मंजिल पर रखो स्नाइपर राइफल्स के साथ और दूसरे हो गई। क्या हुआ हविलदार साहब? आपका सारा घर जासूसों से भरा हुआ है, हमारी हर बात की उन्हें खबर है। तो क्या हुआ, देखने दो उनको, हम हमले के लिए तैयार है ना? आप समझे नहीं, अगर दुश्मन घर के अंदर है तो हमारा कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, कोई दूसरा प्लान है आपके पास? आपके लिए नहीं जानना बेहतर होगा। क्या? सुनो जमींदार के बहादुर नौजवानों, जब मैं आप लोगों को भागने का ऑर्डर दूंगा तब आप सब लोग खरगोश की तरह छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागेंगे, समझ गए मेरे शेर के पुत्रों? जी मिलिट्री वाले जी। बैठ जाओ बैठ जाओ, भागो। सर भागने का काम ये लोग तो बड़ी दिलचस्पी से कर रहे हैं। उसका फायदा उठाने का मौका भी शायद आएगा। काम जरा जल्दी जल्दी करो भैया, सुबह तक हमें और दो नकली दरवाजे बनाने हैं। हो जाएगा भैया हो जाएगा। एक मिनट जाइए। अरे मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। अरे अरे बाबा झूलती झूलती जाओ ना।
এই ডেড বডিগুলোকে সরিয়ে দাও। সানিয়াল, সানিয়াল ছাড়, ছাড়ো আমায়, ছাড়ো, ছাড়। গ্রামের লোকেদের ডাকো। এই আদালত এখন দেবাশিস রায়চৌধুরীর বিচার করবে, নান্দীপুরের অতীতের জমিদার। অভিযুক্ত দেবাশিস রায়চৌধুরী এবং তার মেয়েকে এক্ষুনি আদালতের সামনে হাজির করা হোক। আমি তোমাকে সেই সুযোগ দিচ্ছি, যদি কিছু বলার থাকে তো বলো। বলবো কি বলবো? কি শুনতে চাও তুমি? আমি এই নান্দীপুরে জমিদার, তুমি তো একজন খুনি। আমার বাড়িতে জোর করে ঢুকে আমার জামাই, আমার পরিবারের সকলকে এক এক করে খুন করছো। একজন মানুষের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি সম্পত্তি থাকো, সেটা বিপ্লব স্বীকার করে না। আর তুমি, তুমি তোমার সম্পত্তি বেআইনি ভাবে সাধারণ মানুষের রক্ত শুষে বানিয়েছ। আমি এর বিচার চাই, সত্যিকারের বিচার। তোমাদের সাহস আছে সত্যিকারের আদালতে যাওয়ার? বিচার সেটাই হবে যা আমরা শোনাবো। তুমি সত্যিকারের আদালতে যাবার কথা বলছো? জনতার আদালতের থেকে বড় আদালত আর কিছু নেই। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে দাও, জমিদারের মেয়ে শ্যামলী যেন কোথাও পালাতে না পারে। ये बड़का पेड़ और ये सांप का बिल याद रखना। इस जगह को जानती हूं। अंधेरा होने तक छुपने के लिए अगर कोई जगह। দাঁড়াও, এদিকে যাও।
चलो। हमें किसी भी तरह नदी तक पहुंचना है और वहां से कलकत्ता। एक सच बात बोल सकता हूं नीम साहब? नीम साहब कब की मर चुकी, सिर्फ श्यामोली बची है। और क्या पता कल शायद वो भी ना रहे। तो बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें श्यामोली से? मुझे लगता है मुझे आपसे तुमसे बुद्धू की आंधी खेल लेती है, तब आदमी दुनिया भूल जाता है। मुझे वहां से पहले ही निकल जाना चाहिए था। दुश्मन ने मेरी चाल को पहचान लिया था। और कतक्षण? सकाल होते दाओ, रात्रि अंधकारे कुत्ताटा पालिए जनो ना जाए। वो सुबह का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि यह अंधेरा मेरा दोस्त है, उनका नहीं। बरसता हुआ पानी मेरा साथी है, उनका नहीं। अब मेरे लिए एक ही रास्ता था। दाओ तुमरा, तुमरा दुजन दिखे जाओ। जिंदगी में पहली बार मैंने दिमाग की नहीं दिल की बात सुनी। शायद इसलिए
इसलिए कहता हूं जंग हमेशा यहां से जीती जाती है। तरुण ये देख तेरे लिए कुछ आया है। लच्छी ने खुद की शादी का कार्ड मुझे भेजा। वो किसी नितिन से शादी कर रही थी। ये शादी नहीं हो सकती। शादी किसकी? क्या मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे तरुण, सिपाही टैंगो चाली कहाँ जा रहे हो? अजीब आदमी है, इतनी दूर से मुझसे मिलने आए और ऐसे ही चल दिए। जी, अभी इसी वक्त हो जानी चाहिए पिताजी। क्या वो पिताजी वो स्वस्ति नामी हो गई। तालियां तालियां। मुबारक हो बेटा। सगाई हो गई? हाँ हो गई। बिल्कुल पक्की हो गई? हमेशा के लिए पक्की हो गई? अब दुनिया में इसे कोई नहीं बदल सकता। मजा ही हो भाई साहब। आपको भी बहुत बहुत तरुण। चलो तरुण भैया, 11, 12, 13
तुम इतना बर्दाश्त कर चुके हो फिर भी इतने मासूम कैसे बने रहे? ये हम सबकी मां जो हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ प्यार देती रहती है और उसके बदले में कुछ नहीं मांगती। बड़ा नसीब वाला होगा वो बेटा जिससे वो कुछ मांगे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे साहस दे कि अगर किसी दिन मेरी मां झोली फैलाकर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपना सब कुछ दे सकूं। आज पता चला कि मैं कितनी गलत थी। सोचा था मेरा भोला तरुण दिल का बड़ा है, बस थोड़ा सा बुद्धू है, मगर बुद्धू तो मैं निकली। आज पहली बार तुम्हारे दिल और दिमाग की असली गहराई को समझ पाई। तरुण, क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूं? कारगिल की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। हमारी पलटन को हिमालय में पटक दिया गया। उम्मीद थी कि यहाँ दुश्मन से लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन क्या करें, हमें एक छोटे से पुल की पहरेदारी में लगा दिया गया। सोचा था कारगिल जाके बहादुरी दिखाएंगे, कहाँ पटक दिया इस पुल पे पहरेदारी के लिए। यहीं सड़ना पड़ेगा महीनों तक, मेडल मिलने के चांस भी। सेक्शन प्लाटून, ये तरुण चल। दिल चीर कर वादा करो कि डट कर दोनों पैरों पे खड़े होके मरोगे, लेकिन दुश्मन को पार नहीं होने दोगे। अबे गधे, मैं यहाँ इतने सीरियस से बोल रहा हूँ और तू वहां मूत्र है? मुझे रोका नहीं गया हवलदार साहब। बस कर, जा खाना खा ले। एक बार बोलूंगा, कान खोल के सुन लो। कारगिल जाने का एक ही रास्ता है जो हमारे पुल से गुजरता है। पुल गिरा, रास्ता बंद, हमारे जवानों को कोई सामान नहीं पहुंचेगा। भूखे पेट और खाली बंदूक से कोई जंग नहीं लड़ सकता। मैं इस जगह को अब बहुत बारीकी से समझने लगा हूं। ये नक्शा देखो, इन दो पहाड़ों के बीच से गुजरता है गोगी पास। कुछ हफ्ते पहले गुजरों ने यहां से आतंकवादियों को आते जाते देखा है। अगर मैं दुश्मन होता और कारगिल की लड़ाई को एक ही झटके में पलटना चाहता तो कफन बांध के अपने फिदायन के साथ गोगी पास से उतरता और एक ही झटके में इस ब्रिज को उड़ा देता। समझ रहे हो मेरी बात? दिल्ली से इंजीनियरों की टीम आई पुल का इंस्पेक्शन करने। मोहम्मद अली अपने सवालों की लिस्ट लेकर उनके पीछे लग गया। चंद सवाल पूछने की इजाजत है सर? पूछो। अगर मुझे इस ब्रिज को उड़ाना है तो यह मैं कैसे कर सकता हूं? क्या बताइए ना सर। आओ मेरे साथ। फिर हमें ब्रिज को उड़ाने के तरीके सिखाए गए। सिर्फ 5 किलो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव या RDX भी चलेगा, एक रिमोट पेंसिल टाइमर। यहां जहां से ब्रिज की शुरुआत होती है इसे पिनियन जॉइंट कहते हैं, बॉम्ब यहीं लगाना है। एक ही झटके में पूरा ब्रिज गिरेगा। सबके दिमाग में बात जम के बैठ गई। उसने हमें दुश्मन का प्लान बताया और उसे मुकाबला करने की तरकीब भी। उस दिन से हम बहुत होशियार हो गए। हर रोज हवलदार मुकाबले की रिहर्सल करवाता हमसे। पासवर्ड। अरे यार, वो पासवर्ड क्या था? पासवर्ड। हाँ यार, एक मिनट, बता रहे हैं। पासवर्ड। अरे बाबा, बता रहे हैं ना। तरुण मर गया, फिर टेक ओवर करो। सर, लेकिन सर मैं जिंदा हूं। तो अब मर गए सर। शुक्र करो इसमें ब्लैंक है, वरना दो बार मरते। नहीं सर, ये गलत है। आप सीनियर, इसका मतलब 3 बार पासवर्ड पूछोगे, उसके बाद कितना भी बड़ा ऑफिसर हो फौरन गोली चलाओगे। ये मेरा ऑर्डर है।
जैकेट बन गई? पता नहीं सर, ये कैसा मटेरियल है, एक दर्जन से ज्यादा सुइयां टूट चुकी हैं। केवलार, बुलेट प्रूफ कपड़ा, सिर्फ अमेरिकन आर्मी के पास था, अब आतंकवादियों के पास भी है। संभाल के, लाश काट के निकाला था। भला लाश से काटने की क्या जरूरत है? तो ये थी हमारी जिंदगी, हर रोज आर्मी के सैकड़ों ट्रक कारगिल की दिशा में गुजरते रहते और यहाँ हम नई नई रिहर्सल करते रहते। पहले हम दो टीमों में बंट गए, टीम ए जिसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी पुल के नीचे, जहाँ ना खड़े रहने की जगह थी ना बराबर से बैठने की, और टीम बी जिनका काम था हमले के वक्त दौड़ के टीम ए की मदद करना। और हमला हमला होता था हर दिन कम से कम 4-5 बार। टूट गई। टीम बी, फिर से हमला हो चुका है, फौरन अटैक करो। टीम बी? टीम बी मैं नहीं, आप लोग जाओ 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 जाओ। पता है पता है। चलो चलो चलो। टीम बी निकली कि नहीं, फौरन रिपोर्ट करो। टीम बी निकल गई है सर, और मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मैं सीनियर था, मुझे पुल की शुरुआत पे तैनात किया गया एक बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ। दवा होंगे, जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे यहां हमला नहीं होगा, यहां हमला नहीं होगा, यहां हमला नहीं होगा। जिमी 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 आजा 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 आजा। पासवर्ड। अरे जाने दो, ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी है। पासवर्ड। पासवर्ड? पासवर्ड जवानों की कार्रवाई के लिए होता है, सुना नहीं ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी है। पासवर्ड। देखो जवान, बहस मत करो। मेरे एडीसी पे गोली चलाई? पागल हो गए हो क्या? एक देहाती पे गोली चला दी, खूनी हो तुम, खूनी। पासवर्ड बताओ वरना गोली मार दूंगा। मुझे तुम्हारे हवलदार से बात करनी है अभी और इसी वक्त। पहले पासवर्ड बताओ वरना गोली मार दूंगा। पासवर्ड चाहिए था ना तुम्हें? चल पासवर्ड देता हूं। टैंगो पोजीशन। विदाई, हमला करो जल्दी। शेरा और अल्फा खत्म हो चुके हैं, मुझे भी गोली लगी है। तो फिर टैंगो चार्ज लेगा, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहो, जीत हमारी होगी। जन्नत तेरे नसीब में है, जा। जो हुक्म साहब। रसूल, जाओ जल्दी से उस बॉम्ब को डिफ्यूज करो, जाओ जल्दी।
पहले हमले को हमने तोड़ दिया है। और ब्रिज किसके कब्जे में? जब तक हवलदार मेजर बाबू थाली जिंदा है, ब्रिज हमारे कब्जे में रहेगा। साहब आप ठीक है ना? तुमको मुझ पे भरोसा नहीं था ना, क्या हमला होगा? आपको भी हम पे भरोसा नहीं था ना सर कि हम मुकाबला कर सकते हैं। थोड़ी फिक्र थी मुझे, लेकिन तुम लोगों ने बीएसएफ की इज्जत रखी और मेरी भी। हुकुम दीजिए सर, मैं उनका पीछा करके एक एक को खत्म कर दूंगा। मेरा प्याज भी चुक गया, अब तुम्हारी बारी है, जाओ। यस सर। रिलीफ टीम लेकर आए हैं, क्या हुआ यहाँ पे? पासवर्ड। पासवर्ड? क्या था पासवर्ड? पासवर्ड, एक मिनट, याद आया, बरसात। मार दिया उसको, ये ले, ऊपर आ जा। सोच रहा है तरुण, कम से कम 50 लोग होंगे और तू अकेला है। यहां से भाग निकल, भाग निकल तरुण। लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं, सही वक्त पे सही चाल ही सब कुछ है। याद रहे, जंग हमेशा यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म।
चार पांच लोग हैं, पागलों की तरह आउट ऑफ रेंज फायरिंग किए जा रहे हैं। ऐसा करो जैसे इनकी बंदूकें खाली हो, खत्म कर दो सालों को, जाओ। जाओ और बोल दो अपने साथियों को कि मेरे भारत को छोड़कर चले जाएं, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। जाओ, भाग। ओ, क्या हुआ, क्या हो रहा है वहां पे? अरे इसको कोई ब्रांडी शांडी पिलाओ, जा जा अंदर जा। आशा है कि मेरे हवलदार की आत्मा मुझे देखकर खुश है। सच बात तो यह कि मेरे भारत देश से महान और कोई देश नहीं, और मेरे भी ऐसा से बढ़कर और कोई फौज नहीं। मां, तूने मुझे जितना प्यार दिया उतना तो मैं शायद नहीं लौटा पाया, और अब देने के लिए कुछ रहा भी नहीं। मैं थक गया हूं मां, मैं थक गया। अब मुझे अपनी गोद में सो जाने दो मां। लगता है मर गया, पल्स नहीं मिल रहा है सर। नहीं मर सकता वो, एमाइड लिक्विड तोड़ के उसके नाक के सामने रखो। खून बहुत बह चुका है सर, ही नीड्स एन इमरजेंसी ऑपरेशन। नीचे कौन है? शायद डॉक्टर होगा। आई एम लैंडिंग, ओके? यस सर। डॉक्टर को बुलाओ, ऑपरेशन करना है। खटिया ले आओ, जाओ कोई खटिया ले आओ। आप डॉक्टर हैं? हमारे एक सिपाही घायल हो गया है। अच्छा, उसे ऑपरेशन की जरूरत है। इतना बड़ा खतरा मैं नहीं ले सकता, मुझसे मत करवाइए। 9 मिलीमीटर की गोली है, जब ये इंसान के जिस्म में घुसती है तो पता है क्या होता है? हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, आप सिर्फ गोली निकालिए, बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा। अब बच जाएगा। अरे ये लच्छी से शादी क्यों नहीं की तुमने? ये पक्की मंगनी क्या है? एक लड़की कितना इंतजार करेगी? हाँ, और वो नेक्सलाइट वाला किस्सा कमाल था यार, वेरी डेंजरस है। देखो भाई, गलती मेरी नहीं है, डायरी इसको मिली, करने को कुछ था नहीं, डायरी पढ़ने इसने शुरू की। सर मैंने तो सिर्फ सुना। सर आप क्या? अरे सर आप क्या मतलब,
किसी की डायरी पढ़नी अच्छी बात है क्या? नो, अब चलिए सर। यस सर। इस तरह टैंगो चार्ली की जान बच गई, लेकिन आज भी दुनिया के कोने कोने में हजारों सिपाही मरते हैं। इनको मौत से बचाना इंसानियत के हाथ में है। टैंगो की डायरी ने हवलदार मोहम्मद अली को गुमनाम शहीद होने नहीं दिया। सरकार ने उसे अशोक चक्र पुरस्कार में देकर सारी फौज की इज्जत बढ़ाई। तरुण चौहान ने अपनी पक्की मंगनी से आगे बढ़कर लच्छी से शादी कर ली और अब खुद को मॉडर्न बनाने की कोशिश में है। लेकिन आज भी उसकी स्कूटर रास्ते में कभी कभी रुक जाती है। अपने बेजुबान जज्बातों को कलम से कैद करने में तरुण आज भी खो जाता है। स्क्वाड्रन लीडर विक्रम राठौर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहजाद खान हमेशा की तरह अपने बगैर पंख की मुर्गी में सीमा के चक्कर काट रहे हैं। मौत से डर लगता है? अरे नहीं सर, आप साथ में हो तो मौत से क्या डरना है। साथ साथ मरेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले को सल्यूट करेंगे और फिर वैसे हमारी आत्माएं भी तो साथ साथ उड़ते रहेगी सर। मजाक बहुत सूझता है तुम्हें। चलो अब तनख्वाह का मत है, टारगेट नजदीक पहुंच गया है। क्या पता उन्हें किसी और टैंगो चार्ली की जान बचाने का मौका मिल जाए। हम आर हो या पार हो जाने कहां, हम यार हो अगले पल का पता होने वाला है क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथ या अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया, एक बार करके फिर दोबारा कर दिया। एक दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया, एक बार करके फिर दोबारा कर दिया। देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा, मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया। एक नशा सा हमको हो गया, क्या हुआ दीवानगी में दिल लगकर ये खो गया। बेकरारी बढ़ रही है, चैन एक पल नहीं, दिल मेरा भी कह रहा है ढोल जा संभल नहीं। हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया। देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा, मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया।